اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم من كلم الله وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تعریفات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد ہدیہ درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے واجب الاحترام مختصر حمد و ثنا اور خطبہ مسنونہ تو بعد اللہ پاک دے گے دعائے مولا کریم جو کچھ بیان کیتا جائے میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے
अल्लाह सुबहानहु व ताला ने इंसानियत दी रुश्दो हिदायत वास्ते नबुवतो रिसालत दा सिलसिला शुरू फरमाया। हर जमाने दे अंदर हर दौर दे अंदर अंबियाओ रसूल अल्लाह दा पैगाम लेके आए और वो अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहे। अंबियाए किराम नू अल्लाह सुबहानहु व ताला ने बड़े रुतबे दे नाल बड़े मकाम दे नाल और बड़े शरफ दे नाल नवाजिया। फजलना बाज़हुम अला बाज़ अंबियाओ रसूल नू अल्लाह ने दूसरियां ते अहमियत फौकियत और फजीलत भी अता फरमाई। मिन हुम मन कल्लम अल्लाह उन्हां दे विचों बाज़ दे नाल अल्लाह ने कलाम दा उन्हां नू शरफ बख्शिया। और ईसा बिन मरियम अलैहि सलाम नू अल्लाह ने किताब दे नाल नवाजिया और रूहुल कुदुस दे नाल उन्हां दी ताईद और नुसरत फरमाई। तो अहबाबे गिरामी फजीलत और रिफत अता करने वाली अल्लाह दी जात है। अंबियाए किराम दे विचों पांच अंबिया नू रसूल नू अल्लाह ने उलुल अजम अजीमत दे सबरो इस्तकामत दे पहाड़ और बहुत ज्यादा फजीलत रुतबे वाले उलुल अजम पैगंबरां नू मुकाम अता फरमाया। अज दे खुतबा दे अंदर जनाबे हजरत ईसा अलैहि सलाम दे फजाइल और उन्हां दे बिलखसूस मोजज़ात दा तज़किरा होएगा। अल्लाह सुबहानहु व ताला ने हर नबी नू और अपने भेजे रसूल नू मोजज़ात दे नाल नवाजिया और उन्हां नू वाज़े बय्यनात और निशानियां दे के कायनात दे वल मबूस फरमाया। किसे नू अल्लाह ने कलीम बनाया किसे नू अल्लाह ने अपना खलील बनाया। कोई रूहुल्ला बन के आए तो कोई ज़बीहुल्ला बन के आए। ए फजीलत ए मरातिब और ए मोजज़ात और ए ज़ाज़ात खुद रब्बे कायनात ने अता फरमाए। तो हजरात गिरामी जनाब ईसा बिन मरियम अलैहि सलाम ते ईमान रखना और उन्हां नू अल्लाह दा
रसूल अल्लाह दा नबी और अब्दुल्ला तस्लीम करना हर मोमिन ते लाजिम और जरूरी है। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया जो बंदा शहादतैन दी गवाही देंदा है, शहादतैन तो मुराद अल्लाह दी रबूबियत तौहीद दा इकरार करदा है और आप अलैहि सलाम दी जात नू अल्लाह दा रसूल अल्लाह दा बंदा और आखरी पैगंबर मनदा है। शहादतैन दी गवाही देंदा है और जनाब ईसा अलैहि सलाम नू कलीमतुल्ला और रूहुल्ला तस्लीम करदा है, अल्लाह दी निशानी मनदा है। आपने फरमाया लाजिम है कि ओ बंदा जरूर जन्नत दे अंदर दाखिल होएगा। तो इस हदीसे मुबारका तो पता चलिया जनाब ईसा अलैहि सलाम नू उंज मनना उन्हां दी जात ते ईमान रखना जिवें कुरान दा फैसला है ए मोमिन होन दी और कामयाब बंदे दी जमानत और गारंटी है। तो इस वास्ते जनाब ईसा बिन मरियम दी दास्तान अल्लाह ने जा बजा बयान फरमाई और अल्लाह सुबहानहु व ताला ने अपनिया निशानियां और अपनी कुदरत दा तारुफ करवाया। जनाब ईसा अलैहि सलाम नू बगैर बाप तो पैदा किया जाना ए अल्लाह दी बहुत बड़ी निशानी और कुदरत है और अहले दुनिया दा कायनात दे लोगां दा अल्लाह ने इम्तिहान लैन वास्ते इस अपनी कुदरत और अपनी निशानी और उस मौजज़े दा ज़हूर फरमाया और कायनात दा रब अज भी देखना चाहता है कि कौन ईसा बिन मरियम दे वाक्य तो मैं रब दी मार्फत हासिल करदा है। और जिन्ना ने जनाब ईसा अलैहि सलाम दे मौजज़ात तो अपने रब नू पहचानिया अपने रब दी मार्फत हासिल कीती ओ दुनिया ओ आखरत दे अंदर कामयाबो कामरान होए। और जिन्ना ने जनाब ईसा अलैहि सलाम दे मौजज़ात ते ईमान नहीं रखिया ओ नाकाम होए, दुनिया ओ आखरत दे अंदर ओ नवास्ते वैल और हलाकते। तो आइए जनाब ईसा अलैहि सलाम दे मौजज़ात और अल्लाह दी तौहीद कुरान दियां आयात दी रोशनी दे अंदर समात फरमाना। अल्लाह सुबहानहु व ताला ने कुरान पाक दी इक्को ही आयत दे अंदर मुतअद्दद मौजज़ात बयान फरमाए। मौजज़ात तो अल्लाह ने दीगर अंबिया नू भी अता फरमाए सन लेकिन जनाब ईसा अलैहि सलाम दे मौजज़ात दी एक तवील और बहुत ही अजीब दास्तान है। तो कुरान पाक दे अंदर
आप दे कमो बेश दस मोजज़ात बयान होए ने। मैं इख्तसारन कोशिश करांगा कि उन्हां मोजज़ात दा जिक्र होए और उन्हां चों अल्लाह दी तौहीद दी पहचान और अल्लाह दी मारफत हासिल होए। सूरह माईदा है छेवां पारा है। अल्लाह सुबहानहू व ताला ने इत्थे आप दे मोजज़ात दा तज़किरा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कायनात दा रब ऐलान कर रहा है। अल्लाह फरमांदे ने, वा इज काल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, ए मेरे ईसा पैगंबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब ईसा अलैहि सलातो व सलाम नु मुखातिब फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, ए मेरे ईसा पैगंबर, अल्लाह दियां निशानियां ते अल्लाह दियां कुदरतां दा तज़किरा पढ़ो। कौन ईसा पैगंबर है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाबे ईसा अलैहि सलातो व सलाम दे मोजज़ात दा तज़किरा फरमाया। फरमाया, इज कालतिल मलाइकातु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुका बिकालिमतिम मिन्हु इस्मुहु अल-मसीहु ईसा इब्नु मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा वामिनल मुकर्रबीन। जनाबे ईसा अलैहि सलातो सलाम दा पहला मोजज़ा किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप नू अपनी कुदरत दे नाल और अपनी जनाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निशानी दे तौर ते वाज़े आयात ते बयानात दे के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान करदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कायनात दे लोगो, तुसी मेरे कुरान दिया आयात दे अंदर ईसा बिन मरियम दी दास्तान पढ़ो। कौन ईसा है? जिन्हों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत ते अपनियां निशानियां दे विचों ठहराया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तुकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला। जनाबे ईसा अलैहि सलातो व सलाम नू अल्लाह ने अपने कलमाए कुन दे नाल अपनी कुदरत कामिला दे नाल पैदा फरमाया है। जनाबे ईसा अलैहि सलातो व सलाम दी विलादत बहुत बड़ा मोजज़ा है। अल्लाह फरमांदे ने, इन्ना मसलईसा इंदल्लाही कमासली आदम खलकहू मिन तुराबिन सुम्मा काल लहू कुन फयकून। फरमाया, जनाब ईसा अलैहि सलाम दी मिसाल आदम नबी दी तरह है। जिमें आदम अलैहि सलाम नू अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला दे नाल पैदा फरमाया, ओवें अल्लाह ने जनाबे ईसा नू बगैर बाप तो पैदा फरमाया है। और अल्लाह सुबहानहू व ताला ने अपने कलमाए कौन दे नाल अल्लाह तेरा तारुफ किए, तेरी जात कितनी आला ओ बाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, जदों असी किसे कम दा फैसला कर लईए सानू महीनियां दी लोड़ नहीं, बंदियां दी लोड़ नहीं, किसे दे कोल मशवरा लैन दी जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नमा अमरुहु इज़ा अराद शैयन अन यकूल लहू
कौन फायकून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो मैं फैसला कर लवा के ए अमर वाके हो के रहना है, फरमाया असी कुन कहने आ हुक्म करने आ, मेरा रब आर्डर करता है, अल्लाह दे हुक्म दी तामील हो जांदी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आदम नबी दी मिसाल पढ़ो, आदम नबी दी विलादत ते पदाइश दा किस्सा पढ़ो, जेड़े रब ने जनाबे आदम अलैहि सलातो वसलाम नू बगैर मां बाप तो पैदा कीता है, उस रब ने मौजजात दे नाल अपने वाजे कुदरतां ते निशानियां दे नाल बगैर बाप तो ईसा बिन मरियम नू पैदा कीता है। क्यों जी ये कुदरतां कीदियां ने? ये कुदरतां अल्लाह रब्बुल आलमीन दियां ने, रब रहमान दियां ने। और इस वाक्य दे अंदर बड़े बड़े बंदियां दा अल्लाह ने इम्तिहान लिया और बड़े बड़े इस इम्तिहान चो नाकाम होए, और जिन्ना ने इस वाक्य तो इबरत हासिल कीती, रब दी मार्फत हासिल कीती, अपने रब नू पहचान लिया। अल्लाह फरमांदे ने जिन्ने शहादतैन तो बाद ईसा नबी नू उंज मन्या जिवें मैं रब दा फैसला सी, ओ जरूर जन्नती लोकां च खड़ा होएगा। एदे अंदर इम्तिहान सी, और ओ लोग जिन्ना ने जनाबे ईसा अलैहि सलातो सलाम ते और ओना दी मां जनाबे मरियम ते इल्जाम लगाया, ओ इम्तिहान चो नाकाम हो गए। ऐ सुनो कुरान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाबे मरियम सिद्दीका दी शान दे अंदर एक पूरी सूरत नाजल फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए मरियम सिद्दीका, ए लोग तेनू पुछदे ने ए मरियम ए बच्चा कित्थों लैके आई है? अल्लाह फरमांदे ने ए मरियम सिद्दीका, सदके जावा मरियम भी सिद्दीका है ते आयशा भी सिद्दीका है। कवो रजी अल्लाह ताला, एक ते इल्जाम अरब दे काफरां ने लाया, अल्लाह ने ओदी शान च भी कुरान उतारिया, और एक ते इल्जाम एना जनाब यहूदो नसारा ने लगाया, अल्लाह ने उन्ना ते भी कुरान नाजल कर दिता। जिन्ना ने जनाबे मरियम दी पाक दामनी ते शक कीता ओ भी जहन्नमी ने, जिन्ना ने मां आयशा दी पाक दामनी ते शक कीता ओ भी लईन ने, ओ भी जहन्नमी ने, गुमराह ने। क्यों जी? दोनों हस्तियां दी इज्जत करना मोमिन ते लाजिम और जरूरी है। आइए मेरे भाई कुरान दिया याते गौर करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया असी ईसा बिन मरियम नू अपनियां निशानियां दे नाल और अपनी कुदरत दे नाल पैदा फरमाया है, जनाबे ईसा अलैहि सलाम दी विलादत भी मौजज़ा है, आप दी पदाइश भी मौजज़ा है, और जेड़े 25 दिसंबर नू जनाबे ईसा अलैहि सलाम दी विलादत दा जश्न मनांदे ने, उन्हां दे कोल कोई दलील नहीं, बल्कि ओ कुरान दियां आयतां दी मुखालफत करदे ने। और ए अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान दियां आयतां दा फैसला है कि जनाबे ईसा अलैहि सलाम जिस मौसम च पैदा होए ना, आप जिस मौसम च पैदा होए खजूरां दे पकने दा मौसम सी, और आप खुले आसमान दे तले एक खजूर दे तले बैठियां ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा नबी दी विलादत दा जिक्र बयान फरमाया के जनाबे मरियम अलैहि सलाम वास्ते अल्लाह ने खुराक दा भी, गजा दा भी बंदोबस्त फरमाया,
पानी भी अता फरमाया, खजूरां भी अता फरमाइया, और उस मौसम दे अंदर चरवाहे बकरियां चरवा रहे ने। सर्दी का मौसम नहीं सी, बल्कि वो मौसम सर्दी तो इलावा सी। इस वास्ते ए नबी ईसा दी विलादत दा मौसम नहीं। अगर मौसम होवे भी ते ओना दी विलादत ते ऐ जशन मनाना, क्रिसमस मनाना और ओना नू सपोर्ट करना ए बहुत बड़ा कुफर है। मैं अखबार दे अंदर पढ़ रहा सा, और ऐसे लोग भी ने के जिथे जनाबे ईसा इबनुन्ना मनन वाले गिनती दे चंद लोग ने, और मुसलमाना दी उत्थे कसरत हुंदी है। दुआ करो अल्लाह की दाए तौहीद दी समझ नसीब फरमाए। मोहल्लेदारी च, रिश्तेदारी च और अपनी बस्ती दे अंदर ओना दे नाल अच्छा ताल्लुक रखना बहसीयत इंसान, एदे च कोई हर्ज नहीं। लेकिन ओना दिया इबादत गावां दे अंदर ओना दे अकायद नू प्रमोट करना है बहुत बड़ा कुफर है। तो आइए मेरे भाई, जनाबे ईसा अलैहि सलाम दा दूसरा मोजज़ा केड़ा है? अल्लाह फरमांदे ने तू कल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला। अल्लाह फरमांदे ने मेरे मरियम सिद्दीका, अल्लाह फरमांदे ने ईसा बिन मरियम, तुहानू मैं अपनी कुदरत दे नाल पैदा करांगा, तुहाडे ते और तुहाडी वालिदा ते मरियम सिद्दीका ते लोग इल्जाम लगाएंगे, मैं तुहानू बचपन दे अंदर ही कुव्वत गोयाई अता फरमा देंगा। तू कल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला। अल्लाह फरमांदे ने ए ईसा बिन मरियम पंगूड़े दे अंदर मां दी गोद दे अंदर बचपन दे अंदर भी कलाम करेगा, और बढ़ापे दे अंदर उदेड़ उम्र दे अंदर भी कलाम करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे बा कमाल मौजज़े अता फरमाए, बच्चे जम दे कदी ना बोल देने। ये कुदरतां केदियां ने? ए अल्लाह रब्बुल आलमीन दे मौजज़ात ने मेरे भाई, ओदियां कुदरतां ते ओदियां हिकमतां ने। बच्चे जम दे कदी ना बोल देने, तू इंज दे रंग दिखा देना है, बीबी मरियम ते जिदों इल्जाम लगे, बीबी मरियम ते जिदों इल्जाम लगे, ईसा नबी नू बोलन सिखा देना है। बच्चे जम दे कदी ना बोल देने, तू इंज दे रंग दिखा देना है, होवे ओहो ही मौला जो मंजूर तेनू, होवे ओहो ही मौला जो मंजूर तेनू, तगड़े माड़िया कोलों मरवा देना है। ये शाना की दिया ने? असल च जनाबे ईसा दिया शाना ते ओना दे मौजज़ात अल्लाह दी तौहीद दी पहचान है। आइए मेरे भाई, कुरान दी आयात ते गौर करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने इस काल अल्लाहु या ईसा बिन मरियम, अल्लाह फरमांदे ने ईसा बिन मरियम मैं तुहानु अपनी कुदरत दे नाल पैदा कीता है, और अपनी निशानियां दे अंदर और अपने जनाब वाजे कुदरत दे आसार दे नाल पैदा फरमाया है। तुसी गोद दे अंदर कलाम करोगे, ए लोग आए आके कहिंदे ने ए मरियम ए बच्चा कित्थों लैके आई है? अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान करदा है, ए बहुतान लगांदे ने इल्जाम लगांदे ने जनाबे मरियम सिद्दीका परेशान ने, आप खामोश ने। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ियां मेरियां पाक बा
नमाज बंदियां होन ओना दी इज्जत दा जामन ते गवाह मैं खुद रब हुन्ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह, मैनू काबा दे रब दी कसम है जनाबे मरियम सिद्दीका ते बोहतान लग्या। अल्लाह ने आप सफाइयां दितियां ने जनाबे यूसुफ ते इल्जाम लग्या सफाइयां मेरे रब ने आप दितियां ने, मेरी और तुहाडी मां आयशा ते इल्जाम लग्या है सफाइयां मेरे अल्लाह ने अता कीतियां ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए बीबी मरियम इंज करना, ए लोग तुहानू पुछ रहे ने ए बच्चा कित्थों लै के आई, ए मरियम तेरी ते शादी भी नहीं होई, ना तेरी मां बदकार सी ना ही तुहाडे बाप सरकश सन, ए मरियम ए बाल कित्थों आ गया है। अल्लाह फरमांदे ने प्यारी मरियम सिद्दीका गम ना कर परेशान ना हो, इशारा करना तेरा कम में कुव्वत गोयाई अता करना मैं रब दा कम होएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह, जनाबे मरियम ने अपने इस बच्चे दे वल इशारा कीता है। ए सारे लोग कहिंदे ने नी मरियम तू किवें दियां गल्लां करनी है, इशारे दे नाल पंगूड़े च पिया बच्चा किवें बोलेगा। कुरान ऐलान करदा है फाशारत इलैही कालू कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबीया। जनाबे मरियम अलैहि सलाम ने अपने बेटे दे वल इशारा कीता है, ओए मेरे ते इल्जाम लगाने वालो मेरे ते तबर्रा करने वालो, सैयदा मरियम ते जनाब बोहतान लगाने वालो, अल्लाह दा कुरान बोलिया बचपन दे अंदर जनाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बोलन दी कुव्वत ओ ताकत अता फरमाई। ईसा नबी ने पहला बोल की बोलिया है, ईसा नबी ने अपना तारुफ करवाया काला इन्नी अब्दुल्ला। जनाबे ईसा कहिंदे ने ओए मेरी मां ते इल्जाम लगाने वालो, ओए मेरी मां ते बोहतान लगाने वालो, मेरे वल वेखो मैं अल्लाह दा बंदा हां। ईसा नबी इब्नुल्ला नहीं अब्दुल्ला ने, इब्नुल्ला नहीं अब्दुल्ला ने, अल्लाह दे बंदे ने जिन्ना ने इब्नुल्ला मनिया ओ दुनिया ओ आखरत दे अंदर लईन ने गमराह ने गैर मगजूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन ते हर नमाज दे अंदर तू ओना ते लानता पाना है। मैनू काबा दे रब दी कसम है अल्लाह दी जात दे विचों कोई चीज नहीं ओदा कोई हिस्सा नहीं। जनाबे ईसा भी अब्दुल्ला ने ते मेरे पाक मोहम्मद भी अब्दुल्ला और रसूलुल्ला ने कवो सल्लल्लाहो नूर मिन नूरिल्ला नहीं अब्दुल्ला ने ते हुण कई ए कहिंदे ने लो जी मिंबर ते खलो के नबी नू बंदा कहिंदे ने अल्लाह दा बंदा कहिंदे ने तौहीन है। मैनू ए दसो कुरान नबी पाक दी तौहीन कर सकदा है? ए कुरान च लिखिया है कि मुहम्मद अल्लाह दे बंदे ने कवो सल्लल्लाहो। जे नहीं यकीन आया कुरान सुन लै। अल्लाह फरमांदे ने सुभान अल्लज़ी असरा बी अब्दी ही पाके ओ जात जिन्ने सैर करवाई अपने बंदे नू। इथे लफ्जे अबद मेरे नबी जी जात दे वास्ते इस्तेमाल होया है। आइए मेरे भाई ईसा नबी दा जश्न मनाने वालो क्रिसमस मनाने वालो ईसा नबी दी आमद ते झूठियां मुहब्बतां दा इजहार करने वालो ओ ईसा नबी दे फरमूदात दा इनकार करने वालो तुसी जनाब कहिंदे हो ईसा इब्नुल्ला ने अल्लाह दे बेटे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने
अपनी कुदरत दे नाल पैदा फरमा के कुव्वत गोयाई अता फरमाई। अल्लाह फरमांदे ने मेरे प्यारे ईसा ऐलान कर दियो कायनात दे लोगों नू दस दियो ईसा नबी दा बोलना अल्लाह नू इन्ना पसंद आया अल्लाह ने कुरान बना दिता है। काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया। जनाब ईसा अली सलाम कहिंदे ने लोगो मैं अल्लाह दा बंदा हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैनू अपना नबी बनाया है ते किताब अता के भेजिया है। मेरे भाई ईसा नबी अली सलातो सलाम दी विलादत भी मौजज़ा है। जनाब ईसा दा बचपन दे अंदर बोलना भी मौजज़ा है। ईसा नबी नू अल्लाह ने बचपन दे अंदर ही यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पदाइश ते विलादत दे वक्त ही नबी बना दिता है। नबी ते बड़े बड़े आए रसूल बड़े बड़े आए कुर्बान जावा ईसा नबी दी नबुवत और रिसालत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मरियम दी गोद विच जनाबे ईसा नू नबुवत अता कर दिती है। बचपन दे अंदर बोल के तारुफ करवांदे ने लोगो मैं अल्लाह दा बंदा हाँ अल्लाह ने मैनू किताब दे के भेजिया है और अल्लाह ने मैनू अपना रसूल बना के भेजिया है। सुनना जरा अल्लाह दा कुरान अल्लाहु अकबर। अल्लाह जनाबे मरियम नू कहंदे ने ए मरियम सिद्दीका ए दस नजरा अन्ना यकूनु ली वलदुन। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हाँ जनाबे मरियम कहंदियां ने ए अल्लाह सोनिया मेरे हाँ किवें औलाद पैदा हो सकती है अल्लाह मेरे हाँ किवें बच्चा जन्म ले सकता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यम ससनी बशर। अल्लाह सोनिया किसे बशर ने मैनू नहीं छोया मेरे हाँ किवें औलाद पैदा हो सकती है। अल्लाह फरमांदे ने ए मरियम सिद्दीका सुन लै तेरा रब कौन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इज़ा कज़ा अमरन फा इन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून। जिन्हों अल्लाह फैसला कर लैन वो असबाब आप ही पैदा कर देंदे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इधर वेखना जरा जनाबे इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम दी उम्र 80-85 साल दी हो गई है। फरिश्ते इंसानी रूप दे अंदर आए जनाबे इब्राहिम ने उन्हां दी मेहमान नवाजी कीती ते जांदियां जांदियां कह गए ए इब्राहिम असी खाण वास्ते नहीं आए असी मेहमान नवाजियां कराने वास्ते नहीं आए असी बशारत देन आए हाँ अल्लाह ने तेनू एक साले ते बुरदबार बेटा अता करना है। बीबी कहन लगी अल्लाह मैं ता बांच हो चुकी हाँ मेरे हाँ किवें औलाद पैदा होएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए इब्राहिम नबी दे आहले बैत तुसी गम ना करो फिक्र ना करो इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। मेरे भाई बुढ़ापे दे अंदर इब्राहिम नबी नू औलाद देने वाला कौन है और अल्लाह दी जात जनाबे ज़करिया अलैहि सलाम नू बुढ़ापे दे अंदर औलाद पैदा कर रही है बशारत सुना रही है। ज़करिया नबी नू बुढ़ापे च औलाद दी यहया पैगंबर दी बशारत सुनाने वाला कौन है और आदम नबी नू बगैर माँ बाप तो पैदा करने वाला कौन है। ईसा नबी नू बगैर बाप तो पैदा करने वाला कौन है।
ए मेरे अल्लाह दियां सिफतां ने, अल्लाह दियां शानां ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत दे नाल और अपने कलमा कुन दे नाल पैदा फरमाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिता है कायनात दे लोगां नू, ईसा नबी दी शान मनने वालो, ईसा नबी दा रुतबा मनने वालो, मैं कयामत दे दिन जिदा अकीदा ईसा बिन मरियम दे बारे ठीक होएगा ओनू ही जन्नत अता करांगा। अल्लाह दी कसमे जिहड़ा जनाबे ईसा बिन मरियम दे बारे अकीदा ठीक नहीं रखदा अल्लाह नू ओहदे ईमान दी कोई जरूरत नहीं। आइए बड़े प्यार दे नाल अर्ज़ करना चाहना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौजज़ात दा तज़किरा फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कौन ईसा पैगंबरे तू कल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला व इज तखलुकु मिन तीनी कहयति तैरी भी इज़नी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ईसा नबी मट्टी दी मूरत बना के और मट्टी नू जनाब ओनू जनाब गारे तो परिंदे दी सूरत तैयार करदे सी ते गारे तो मट्टी तो परिंदे दी सूरत इख्तियार करंदे सी। ए जनाब सूरतां ते मूरतां बनांदे सी किदे हुक्म नाल? असल च ना ए आयत जेड़ी है सूरह मायदा दी, इत्थे अल्लाह ने छे मौजज़ात बयान फरमाए, हर मौजज़े तो बाद बयान फरमाया भी इज़नी मट्टी तो परिंदियां दी सूरत बनाया ते मेरे इज़न दे नाल और रूह फूंकी ते किदे इज़न दे नाल भी इज़नी मेरे इज़न दे नाल और मुर्दियां नू जिंदा कीता ते किदे इज़न दे नाल अल्लाह दे इज़न दे नाल और जो ओना ज़खीरा कीता है खाना तनावल कीता है एदियां खबरां दितियां ते किदे इज़न दे नाल ओ गज के बोलो किदे इज़न दे नाल। मौजज़ा नबी दा है, मौजज़ा रसूल दा है, करामत वली दी है। मैं वलियां दियां करामतां नू भी मनना, मैं औलिया दियां करामतां नू मनना, फजाइल ओ मनाकब नू भी मनना, नबियां दे मौजज़ात नू भी मनना, लेकिन ए मौजज़ात नबियां दे ने, करामता औलिया दियां ने, बोलो कुदरतां कह दियां ने और शाना अता करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। आइए मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आए दे लफ्जां ते गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इज तखलुकु मिन तीनी कहयति तैरी भी इज़नी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया परिंदे दी सूरत बना के ओ दे अंदर रूह फूंकदे सन मेरे इज़न दे नाल, ओ ऐसा परिंदा जिहड़ा उहना मट्टी दा बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उहना नू एक कुव्वत ताकत अता फरमाई, ऐसे इंजीनियर बनाया जनाबे मूसा अलैहि सलातो सलाम इंज अपने हत्थां दे अंदर मट्टी लैंदे सी उहनू बनाउण दी कोशिश करदे सी परिंदे दी मूरत बन जांदी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हुण फूंक मारना तेरा कम है, इहदे अंदर जान ते रूह पैदा करना मैं रहमान दा कम होएगा। ईसा नबी नू अल्लाह ने रूहुल्ला बनाया, परिंदे बना के उंदे अंदर फूंक मारदे सी, ओ परिंदा जनाब उड़न दी ताकत रखण वाला सी। अल्लाहू अकबर, अल्लाह और केड़ा मौजज़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व उबरियुल अकमह वल अबरस भी इज़नी व उबरियुल अकमह वल अबरस भी इज़नी। अल्लाह फरमांदे ने मादरजाद अंधियां नू और कोड़ी दे मर्ज वालियां नू तंदुरुस्त करदे सी मेरे इज़न दे नाल, शिफावां देंदे सी किदे इज़न दे नाल, वाइजा मरीज तो फाहुवा यशफीन दवा खाने दुनिया ते ने शफा खाने किदे कोल ने। अल्लाह फरमांदे ने ईसा नबी जेड़े बीमार ते तू हाथ लाएगा फूंक मारेगा मैं उनू शिफावां अता फरमा देंगा।
ऐजे मौजज़ा जनाबे ईसा अलैहि सलातो व सलाम दा। आइए मेरे भाई अर्ज करना चाहना, जनाबे ईसा अलैहि सलाम जिस जमाने दे अंदर पैदा होए उस जमाने दे अंदर तिब दा दौर है, जिवें साडे हां मां दी ख्वाहिश है, बेटी दी ख्वाहिश है, बच्चे दी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनांगा। दुआ करो अल्लाह कौम दी खिदमत वाला जज्बा अता फरमाए। और अच्छी सोच है, अच्छी नीयत है, जनाबे ईसा अली सलाम दा दौर तिब दा दौर है, मुआलज घर घर दे अंदर पैदा हो रहे ने, स्पेशलिस्ट पैदा हो रहे ने, तबीब पैदा हो रहे ने, डॉक्टर पैदा हो रहे ने, और बड़िया बड़िया लोग डिग्रियां हासिल कर रहे ने। अल्लाह फरमांदे ने मैं उस जमाने दे उरूज दे लिहाज दे नाल ही मौजज़ा अता करांगा। जनाबे ईसा अलैहि सलाम नू जमाने दी मुनासबत दे नाल अल्लाह ने मौजज़ा अता फरमाया और मादर जाद अंधियां दा इन्हां जनाब नसारा दे कोल कोई इलाज नहीं, पूरे मुआशरे दे अंदर कोई ऐसा हकीम और मुआलज नहीं जेड़ा कोड़ी दे मरज नू मादर जाद अंधे नू शिफा दे छड़े। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ियां बीमारियां ला इलाज ने उन्हां दा तबीज ते स्पेशलिस्ट मैं ईसा नबी नू बना दिता है। जिमें दा जमाना है अल्लाह ने मौजज़ा भी उंज दा अता फरमाया है। जनाबे मूसा अली सलाम दा दौर जादूगरी दा दौर सी, 70,000 जादूगरां ते मूसा नबी नू फतह देने वाला कौन है? हर बीमारी दा इलाज हो रहा है, जिमें साडे भी कई बीमारियां ने उन्हां दा इलाज नहीं, उन्हां दा इलाज लोग दूर दराज तो भी उन्हां नू मुयस्सर नहीं आंदा, ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हां बीमारियां दा मुआलज बना के भेजिया। अल्लाह फरमांदे ने वा उब्रियुल अकमाह वल अबरस, कोई जनाब बरस दी बीमारी दे अंदर मुब्तला है, कोई अखां दी बिनाई तो महरूम है, जिन्नू जनाब पैदाइश तो ही बिनाई दी नेमत तो महरूमी है, ओनू भी अल्लाह ने शिफावां अता कर दितियां ने। एक कुदरत ते ताकत की दी है, हाथ नबी दा है, मौजज़ा अल्लाह पाक दा है, एक कुदरता मेरे अल्लाह दिया ने। इस वास्ते मेरे भाई आइए कुरान दिया याद ते गौर करना, अल्लाह फरमांदे ने वा उहुइल मौता बी इज़नी, ईसा नबी मुर्दियां नू जिंदा कर दे सी किदे हुक्म दे नाल? अल्लाह दे हुक्म दे नाल। ए जनाब मुआशरे दे अंदर और लोकां दे अंदर ए फैसला हो गया कि ऐ नौजवान एदी रूह निकल चुकी है, फौत हो गया है, ईसा नबी दे कोल आए, तुसी जी इहनू जिंदा कर दियोगे, असी तुहाडा कलमा पढ़ लवांगे। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे ईसा पैगंबर तुसी एदे ते फूंको, तुसी अपनी जदों जनाब फूंक मारोगे मैं तुहानू रूहुल्ला बनाया है, इस मुर्दे नू भी मैं जिंदा फरमा देंगा। लोकां दे सामने भरे मजमिया दे अंदर चार मुर्दे ईसा नबी ने जिंदा करके विखाए, पर जिन्ना मनना सी ओना ते मान ही लेना सी, ते कईयां दे दिलो दिमाग गुमराही दे अंदर मुबतला रहे। मेरे भाई ईसा नबी दे मौजज़ात दे अंदर बड़िया बड़िया निशानियां ने। आइए अर्ज करना चाहना, जनाबे ईसा दी विलादत भी मौजज़ा है और आप जनाब मां दी गोद दे अंदर कलाम कर रहे ने, ये भी अल्लाह दा मौजज़ा है। जनाबे ईसा अलैहि सलातो सलाम बचपन दे अंदर नबूवत लैके आए, ये भी आप दा बड़ा बा कमाल मौजज़ा है। बीमार दे वास्ते शिफा याबी दा पैगाम लेके आए, ये भी बहुत बड़ा मौजज़ा है। जनाबे ईसा मुर्दियां नू जिंदा कर रहे ने, ये भी अल्लाह दा ता करदा बहुत बड़ा मौजज़ा है। जनाबे ईसा अलैहि सलाम दे कोल ए सारे दे सारे लोग आए, कहिंदे ने ए ईसा पैगंबर ऐसे ही मैदान दे अंदर दुआ करो, अल्लाह साडे लई मायदा भेज देवे, सूरह मायदा
दा दमान है दस्तरखान ए साडे वास्ते अल्लाह आसमान तो मन सलवा यानी मायदा भेज देवे। जनाबे ईसा अलैहि सलातो सलाम ने इन्ना जनाब नसारा दी पर जोर फरमाइश ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दे अगे दुआ कीती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान तो दस्तरखान मायदा उतार दिता है। ये भी जनाबे ईसा बिन मरियम दा बाकमाल मौजजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने बाकमाल मौजजात अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐन जवानी दी उम्र दे अंदर मैं बनी इसराइल जेड़े सारे दे सारे दुश्मन बन गए सी जेड़े जनाबे ईसा अलैहि सलातो सलाम नू माज़ अल्लाह कतल करना चाहते सी। अल्लाह फरमांदे ने बनी इसराइल ए यहूदो नसारा जिन्ना दिया मुसलमाना तू नकालियां कर रहा है ए कौन यहूदियां दा टोला है जिन्ना अल्लाह दे नबियां ते सितम दी इंतहा कीती है। जनाबे ज़करिया अलैहि सलातो सलाम हजरत यहया अलैहि सलातो सलाम अंबिया दी एक लंबी फरिश्ते जिन्ना यहूद ने अल्लाह दे नबियां नू जनाब दुनिया दे अंदर अजियत पहुंचाई अल्लाह दे नबियां नू कतल कीता अंबियाए किराम दी तोहीन करने वाले ए होई बदबख्त टोला है जेड़ा फलस्तीन दे अंदर मुसलमाना दियां जनाबे वाला इन्हां दी नस्ल कुशी कर रहा है बच्चियां ते जुलम ढा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्हां सारिया काफरां ने इत्तेहाद कर लिया है बनी इसराइल ने और बनी इसराइल इसराइल असल दे अंदर यकूब नबी दा नाम है। ए जनाब आप दा बड़ा बेटा यहूदा ओदी नस्ल चो यहूदी आबाद होए ए बदबख्त टोला अल्लाह दे नबियां दी तोहीन करने वाला अंबियाए किराम दे कतल दे दर पे होने वाले ईसा नबी नू कतल करना चाह रहे ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कौन ईसा नबी है बचपन तो लैके उठाए जान तक आप दे मौजजात ही मौजजात ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया असी ईसा बिन मरियम नू जिंदा ही उठा लिया आसमाना वल्ले बुला लिया और इन्हां दियां चालां तो बचा लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा नबी दी शबी और ईसा नबी दी सूरत जैसा एक नौजवान इन्हां दे अंदर दिता है। ए जनाबे ईसा दी शबी नू जनाब सलीब ते लटका के जशन मना रहे ने खुशियां मना रहे ने ए जनाब भंगड़े डाल रहे ने ए जनाब दुनिया दे अंदर मुबारकां दे रहे ने असी ईसा नबी नू कतल कर दिता है। अल्लाह फरमांदे ने जिन्नू मैं बचावां ओनू कोई मार नहीं जे सकदा जिन्नू मैं जिंदगी देना चाहवां ओनू यहूदो हनूद पूरी दुनिया ताकत मिल जाए उन्दा कुछ नहीं जे बिगाड़ सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वराफिउका इलैया मैं आसमान दे वल्ले उठा लिया और जनाबे ईसा अलैहि सलाम दा आसमान दे वल उठाया जाना भी मौजज़ा है। ईसा नबी दी शबी अल्लाह ने इन्हां नू जनाब इन्हां ते तशबीह पैदा कर दिती है ये भी बहुत बड़ा मौजज़ा है। कयामत दा कुरब होएगा ईसा नबी आनगे दज्जाल दा कतल करनगे दज्जालियां नू मारनगे यहूदियां दा कला कमा होएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह उदों भी ईसा नबी मौजजात लेके आनगे बुढ़ापे दी उम्र च भी लोकां नाल कलाम करनगे। इत्थे मैं एक होर गल कर दियां ईसा नबी आनगे मेरे भाई उदों अब्दुल्ला बन के आनगे मेरे पाक नबी दी रिसालत दा इकरार करके आनगे मेरे पाक नबी दी खत्मे नबूवत दा प्रचार करनगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इस्लाम नू मेरे पाक नबी दे दीन नू ईसा नबी दी नुसरत और तईद दे नाल गालिब फरमाएगा और यहूदा खातिमा होएगा और यहूदियां चाला नाकाम होनगियां इंशाल्लाह। इस्लाम दा परचम लहराएगा मक्का भी आबाद रहेगा मदीना भी आबाद रहेगा।
रहेगा और बैतुल मक्दस भी इंशाल्लाह कयामत तक आबाद रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह सानू नबिया दी होप नसीब फरमाए, अकीदा तौहीद दी पहचान नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरानी आयात के मुताबिक सानू अपने काय समान दी तौफीक अता फरमाए।